ईडब्ल्यूएस कोटा आया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, रातों रात पास हो गया और रातों रात पास होकर लागू भी हो गया। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस कोटे में कहीं क्रिमिनल नहीं है या किसी भी सामान्य वर्ग के लिए, तो उसमें भी लागू होना चाहिए था ना कि सामान्य वर्ग के लोग भी, उसके पिताजी, उसके चाचा जी, सब जी, सब लोग अगर बड़े बड़े नौकरियों में हैं तो उन लोगों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे लागू नहीं किया गया। तो ये क्रीमी लेयर इसलिए लाया गया कि जो हमारा एक लीडरशिप रह गया था, जो जो ग्रुप ए बी में पहुँच गए थे नौकरियों से, या जो MP MLA बन गए थे, दो दो जगह तो है नहीं हमारे लोग, भाड़ मीडिया में तो हमारे लोग है नहीं, और ना मीडिया में है, और ना हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुडिशियरी में है कहीं लोग, तो दो एक पावर ऑफ पिलर में लोग पहुंच गए थे हमारे लोग, वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाए, वो हमारे समाज के लिए लड़ नहीं पाए, इसीलिए क्रीमी लेयर का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। अभी प्रेजेंट जस्टिस हैं या पुराने जस्टिस हैं, उनका आप डाटा निकालो, उनके ही 200 परिवारों ने एकदम जब से हमारा हमारे जो यहाँ पे संविधान लागू है, हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, तब से 200 से 300 परिवारों के बीच में ही उनके ही पोते, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पतोहू, उन्हीं के जो भी क्या क्या रिश्ते होते हैं, सारे रिश्तेदार उनके जज बनते जा रहे हैं। एक गरीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहाँ टीवी में नजर आता है? कहीं टीवी में नजर नहीं आता। अगर बड़ी पार्टियां आरक्षित सीटों पर MP का चुनाव कराती हैं तो वो उसकी आर्थिक रूप से मदद करती हैं, वो बहुसंख्यक समाज का जो नेता है, जो सांसद है, वो उस कर्जे को उतारने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी पार्टी के नेताओं के आकाओं की जो गलत नीतियां है उसका विरोध नहीं कर पाता है। जय भारत जी संविधान, आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और पार्लियामेंट में जितने भी चाहे सामान्य वर्ग के हों चाहे आरक्षित वर्ग के सांसद हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि आज देश की जनता SSS को लागू करने की अपील करती है। साफ, सरल और सस्ती चुनाव प्रक्रिया, साफ, सरल, सस्ती, कितना महंगा चुनाव आज देश में हो गया है कि एक टैलेंटेड, एक इंटेलिजेंट, एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी अगर चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं और इस देश को साइंटिफिक सोच दूं, वो लड़ नहीं सकता है। तो मैं अपील करूंगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि चुनाव आयोग साफ चुनाव कराए, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। बहुसंख्यक समाज की अगर मैं बात करूं तो वो आर्थिक रूप से कमजोर है, शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी, प्राइवेट कंपनीज में उनकी भागीदारी नगण्य है। अगर बड़ी पार्टियां आरक्षित सीटों पर MP का चुनाव कराती हैं तो वो उसकी आर्थिक रूप से मदद करती हैं, वो बहुसंख्यक समाज का जो नेता है, जो सांसद है, वो उस कर्जे को उतारने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी पार्टी के नेताओं के आकाओं की जो गलत नीतियां है उसका विरोध नहीं कर पाता है। जैसा कि देखने में आया कि जब EWS 1 से 2% जो सामान्य वर्ग के EWS के लोग हैं उनका 10% रिजर्वेशन का बिल संसद में पारित होता है और बहुसंख्यक समाज के जो सांसद हैं उसको अपोज नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, कि ये उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो बिल है, हम उसका जो है तहे दिल से जो है हम उसकी उसको कबूल करते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन यही बहुसंख्यक समाज के सांसद जब बहुसंख्यक की हिस्सेदारी की बात आती है तब वो बोल नहीं पाते हैं, तब वो अपने आप को कहीं महसूस करते हैं कि हम उस कर्जे के, चुनाव का जो कर्जा है उसके नीचे तले हुए हैं, दबे हुए हैं। अगर हमने अपने हितों की बात कही, अपने समाज के लोगों की बात कही, तो वो कर्जा जो है मुझे जो है सताएगा, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, मुझ पे EDCBI का जो है दबदबा रहेगा, जिस वजह से बहुसंख्यक समाज के जो नेता है अपने समाज की हिस्सेदारी, हकदारी की बात नहीं रख पाते हैं।
मैं अपील करूंगी कि आप 60% SEBC सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इसका जो रिजर्वेशन है, जो इसकी हिस्सेदारी है, जो इसका प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट में, वो 60% होना चाहिए। लेकिन है कितना उसका परसेंटेज? उसका परसेंटेज जो है 15-20% ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं सामान्य कैटेगरी की, तो उसका जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में 60-70% है। तो ये जो लोकतंत्र में जो ये भेदभाव हो रहा है, ये लोकतंत्र की डेफिनेशन को जो है लज्जित करता है, उसका अपमान करता है। तो मैं आदरणीय मोदी जी से कहूंगी कि इस 75 सालों की आजादी के बाद भी अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए जो है वो लड़ने की इच्छा रखता है, जैसे बबीता जी ने बताया, लेकिन वो स्टार प्रचारकों के खर्चे नहीं जो है अफोर्ड कर सकता, वो पार्टियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां चुनाव प्रचार के लिए नहीं घुमा सकता है, वो वोटों को खरीदने के लिए शराब या साड़ी या राशन वो नहीं बांट सकता है। तो कैसे एक सच्चा, एक ईमानदार और एक मिशन का आदमी जो सेवा करना चाहता है वो पार्लियामेंट पहुंच सकता है? वो पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं पहुंच सकता जब तक इतना महंगा चुनाव जो है देश में होता रहेगा। मैं बात करूंगी अभी राजस्थान में जो एक शिक्षिका थी, हेमलता बैरवा। देखिए, एससी समाज से हेमलता बैरवा आती है और वो सही डिमांड उठाती है, लेकिन उसी के समाज के जो शिक्षा मंत्री हैं वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। कितने दबाव में, पार्टी के प्रेशर में है वो कहते हैं कि उस शिक्षिका ने गलत काम किया है और उसको निष्कासित किया जाता है। तो ये पूरा उदाहरण, रिसेंट का उदाहरण, ये ताजा उदाहरण संसद में उठना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज के सांसद कितने मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं वो? क्योंकि वो इसलिए मजबूर हैं क्योंकि बड़ी पार्टियां जब तक देश में टीवी पर जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के ही प्रचार चलते हैं। मोदी जी, एक गरीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहाँ टीवी में नजर आता है? कहीं टीवी में नजर नहीं आता। जब तक टीवी में जो हर घर में इडियट बॉक्स टंगा हुआ है, टेलीविजन टंगा हुआ है, वो दो ही नाम रटे जा रहा है, वो प्रचार के पैसे वो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे संसद में पहुंचेंगी? हम महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम कैसे संसद में पहुंचेंगी? तो मैं अपील करूंगी, कम शब्दों में अपील करूंगी कि बहुसंख्यक समाज से कि 2024 में महिलाएं आप लोगों की तरफ देख रही हैं, जो टैलेंटेड हर कैटेगरी के जो युवा हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, ये भी मोदी जी आपकी तरफ देख रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को आप सरल बना दीजिएगा, साफ बना दीजिएगा और जो है सस्ता बना दीजिएगा। अगर हम चुनावों में, दो चुनाव लड़ चुकी हूँ, दो चुनाव में मैं क्या देखती हूँ कि बाहर जो बूथ एजेंट बना बैठा दिए जाते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, वो आँख दिखाते हैं, वो जो है अगर उनके टेबल पर आप नहीं जाओगे तो वो आपका जो है ना खेतों में काम करना बंद कर देंगे, आपके बच्चों को जो है बीच रास्ते में रोकेंगे। तो क्यों बाहर जो है बूथ एजेंट जो है बैठते हैं? तो इस तरीके के जो गुंडागर्दी है ये जब तक चलेगी इस देश में, तब तक यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण जैसे सांसद जो हैं आते रहेंगे और महिलाओं की इज्जत यूं ही रुसवा होती चली जाएगी। तो मेरी अपील है कि चुनाव प्रक्रिया में 2024 से पहले सुधार हो जाना चाहिए, नहीं तो ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक मुद्दे पे, जो अभी आप आरक्षण अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे सरकारें बनती है बिगड़ जाती है, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मैटर हो, आरक्षण का मैटर हो, प्रतिनिधित्व का मैटर हो, संविधान में तो आरक्षण वर्ड नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन हमारे अधिकार की बात है तो ये इस पे सरकारें बनती है बिगड़ती है। अभी देखा होगा बिहार सरकार कुछ दिन पहले 2015 में किसी ने बयान दे दिया कि ओबीसी है ना, ओबीसी
में समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण में, तो उनकी सरकार गिर गई थी और वहाँ पे मतलब दूसरे की सरकार बन गई थी। तो मैं आज उसी मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आरक्षण जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरह से हमारा दरवाज़ा है जिसके तहत हम लोग उसके अंदर पहुँच सकते हैं। उस दरवाजे को किस तरह से कुछ मनुवादियों के द्वारा, कुछ जो तानाशाही लोगों के द्वारा जिन्होंने बहुत सैकड़ों वर्षों से अधिकार जमा रखा था, उन लोगों के द्वारा किस तरह से उसको आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया की ओर कर रहे हैं कि किस तरह से लोग हमारे बच्चे, जब हमारा संविधान बाबा साहब ने लागू हुआ जब 1950 में, तो जो प्रतिनिधित्व का जो एससी एसटी और संविधान में जो एससी बीसी यानी कि सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड, कई बार इसको लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, उसको बोल देते हैं कि इकोनॉमिकली आरक्षण नहीं है ओबीसी को, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड को, जिसके जो पूर्वज थे उन लोगों को पढ़ने लिखने अच्छे से नहीं दिया गया, उनकी उनके समाज को, उसके लिए दिया गया था। तो बाबा साहब ने एससी एसटी को जैसे ही उस समय आरक्षण दिया तो उसी समय से लागू हो गया, लेकिन जो एससी बीसी समाज था उसको आरक्षण मिलते मिलते 40 साल लग गए, है ना। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई बीपी सिंह के सरकार में, तब जो एससी बीसी था उसको आरक्षण मिला, लेकिन उसके खिलाफ में इंदिरा सावने का एक जो पिटीशन डाला गया कोर्ट में, तो कोर्ट के डिसीजन के दौर पे ये पहला शब्द आया था क्रीमी लेयर शब्द से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। वो क्रीमी लेयर कोई क्रीमी लेयर नहीं है, वो वास्तव में क्रीमी लेयर के द्वारा जो खुद क्रीमी लोग थे यानी जो जुडिशियरी में बैठे हैं उनको तो सबसे पहले अपने ऊपर करना चाहिए था ना, फेयरनेस ऑफ जस्टिस की जब बात करते हैं वो लोग जुडिशियरी में बैठे लोग, तो सबसे पहले उन्हें किस पे लागू करना चाहिए था, वो अपने पे लागू करना चाहिए था, क्योंकि जो जस्टिस ये निर्णय दे रहे हैं उनके, आप अगर आप उनका डाटा निकालोगे, हम अभी किसी का नाम नहीं लेंगे जो अभी प्रेजेंट जस्टिस हैं या पुराने जस्टिस हैं, उनका आप डाटा निकालो, उनके ही 200 परिवारों ने एकदम जब से हमारे जो यहाँ पे संविधान लागू है, हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, तब से 200 से 300 परिवारों के बीच में ही उनके ही पोते, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पतोहू, उन्हीं के जो भी क्या क्या रिश्ते होते हैं, सारे रिश्तेदार उनके जज बनते जा रहे हैं। अगर उन्हें फेयरनेस ऑफ जस्टिस का मैटर था तो उन्होंने इसको एसीबीसी पे या फिर बहुजन समाज पे लागू नहीं करके सबसे पहले क्रीमी लेयर सब तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए था कि हम लोग क्रीमी मैटर हैं, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, जबकि और लोगों को मौका देते। वहाँ पे आपको पता ही है ना कि बस वो जो कॉलेजियम सिस्टम जिसकी बात करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू वो डायरेक्ट अपने बेटे को, अपने पोतों को, सबको पहुंचा देते हैं, अपनी बहू को पहुंचा देते हैं। और हमारे अंदर क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर का मामला इसलिए फंसाया उन्होंने कि उन्होंने ऐसा लगा कि हमारा जो समाज था वो आगे बढ़ने लगा था, पढ़ने लिखने लगा था, है ना, जो हमारे जो पूर्वज थे किसान थे या फिर कोई भी काम करते थे, जो भी काम कमेरा वर्ग के लोग थे, वो लोग आने लगे इसमें, आने लगे नौकरियों में, तो इन मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और सबसे पहले स्वामीनाथन 1971 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये वर्ड यूज किया था कि क्रीमी लेयर। उसके बाद 1975 में एक कमेटी और आई, जिस कमेटी नहीं थी वो एक एनएफ थॉमस ने कोर्ट में केस डाला था केरला यूनियन के खिलाफ। तो केरल गवर्नमेंट और उस यूनियन के खिलाफ जब जस्टिस ने ये बात बोली कि हम सभी जो भी क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको हम नौकरियों से बाहर करेंगे, उन्होंने पहले खुद को तो बाहर नहीं किया, और वो तो एग्जाम भी नहीं देते। आज पिलर ऑफ पावर क्या है, अभी एक बहन कह रही थी कि चार ही पिलर ऑफ पावर है, क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, मीडिया है, और चौथा कौन सा है, पार्लियामेंट है। तो हमारे लोग वोट वगैरह दे करके पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं अगर उन्हें वोट जनता देती है, हालांकि उनको भी कैंडिडेचर में बहुत मुश्किल आती है, पार्टियां टिकट ही नहीं देती है, है ना। तो वैसी जो हमारी चुनाव पॉलिसी के बारे में भी हमारी एक बहन बात कर रही थी, तो ऐसी चुनाव पॉलिसी है कि उनको टिकट मिल भी जाता है तो उनको चंदा कहीं उन्हीं से लेना पड़ता है, मनुवादियों से, तो फिर वो उनके ही बन के रह जाते हैं, हमारी आवाज़ वैसे भी नहीं उठा पाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस चुनाव की बात अभी कर रही थी बहन, तो हमारा ये कहना है कि ये सिस्टम ही पूरा उस तरह से बना दिया गया है कि हमारे लोगों को कैसे उसमें नहीं आना है। और वो क्रीमी लेयर जो है उसी में, उसी मुद्दे का एक आगे का चरण है कि उन्होंने क्रीमी लेयर लाया। और जब इंदिरा सावने की बात कर रही थी 1993 में जो उसने
मंडल कमीशन के खिलाफ जो उसने जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसके खिलाफ जो उसने केस डाला था तो उसमें उसने मांग ही नहीं की थी। बताइए ऐसा कभी सुना है आपने कि हमने किसी भी चीज़ की मांग ही नहीं की, हम कोर्ट में पेटिशन ही डाले और जजमेंट मिल गया हमें। और ये जजमेंट दिया गया कि क्रीमी लेयर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन क्रीमी लेयर है, उसको नौकरियों से बाहर किया जाएगा। कुछ ऐसा मुद्दा होता कि भाई ओबीसी बहुत ज़्यादा पहुंच गया है, पूरे वही से पहुंच गया है, एसीबीसी मतलब जो ओबीसी को ही एसीबीसी संवैधानिक टर्म है, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड, तो वो लोग पहुंच गया होता बहुत ज़्यादा तो चलो आप कह सकते थे कि नहीं वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें पहुंच गए हैं तो उनको काटने की। मात्र अगर रिसर्च की बात की जाए तो 11% ही एसीबीसी के लोग अभी भी पहुंचे हैं अभी के ख्याल में। अभी मैं आपके पास, मेरे पास डाटा है, आईआईएम के डाटा है, आपको सेंट्रल 40 यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसमें कहीं एसटी और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आए भी तो बहुत नगण्य है, प्रोफेसर रैंक के लोग नहीं हैं। आपको आईआईटीज़ में ले लीजिए, वहाँ का डाटा उठा दीजिए, वो लोग नहीं हैं। वो एक तरह से मतलब भरमाने की जब आप रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या आधार दिया था इस रिप्रेजेंटेशन का कि जो ये नौकरियों में आरक्षण के बदल अगर क्रीमिलियर रहेगा तो वो क्रीमिलियर सारा खा जाएगा, मतलब वो लोग सारे खा जाएंगे। लेकिन वजह ये नहीं थी, उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद था कि आप देखिए अगर हमारा पेट भरा रहेगा, हमारे पास संपत्ति रहेगी, तभी तो हम जागरूक करेंगे अपने समाज को। तो ये क्रीमिलियर इसलिए लाया गया कि जो हमारा एक लीडरशिप रह गया था, जो ग्रुप ए बी में पहुंच गए थे नौकरियों से, या जो एमपी एमएलए बन गए थे, दो जगह तो है नहीं हमारे लोग, बाहर मीडिया में तो हमारे लोग है नहीं और ना मीडिया में है और ना हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुडिशियरी में है कहीं लोग, तो दो एक पावर ऑफ पिलर में लोग पहुंच गए थे हमारे लोग, वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाए, वो हमारे समाज के लिए लड़ नहीं पाए, इसीलिए क्रीमी लेयर का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। और इससे किसी भी ओबीसी को, यहाँ तक कि अगर ओबीसी का ही जो तबका कहते हैं कि क्रीमील का मतलब दूध के ऊपर जो फैला हुआ जो मलाई होता है उसको हटा दिया गया, तो बाकी नीचे का जो तबका और हमारे जो वर्ग के लोग बच गए, उन्होंने कहा होता कि आप हमारे क्रीम खा रहे हो, उन्होंने आवाज़ उठाई होती, वो भी नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्टली ये थोपा गया है और मनुवादियों के द्वारा खुद अपने ऊपर लागू ना करके हम लोगों पे लागू कर दिया गया कि आपको हम लीडर विहीन कर देंगे। और लीडर विहीन समाज कभी आगे बढ़ता है? आप ही देखें, वो पहले के उदाहरण ले लो आप, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसको लीडरशिप मिलता है। कोई भी सेना हार जाती है, सारे सेना बड़े बड़ी सेना रह जाती है, और अगर आपको उसका सेनापति मारा गया तो खत्म हो गया। वही किल किया गया है, ये जो क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये संविधान में जिस तरह से 50% की बात आपने सुनी होगी कि कहा गया था कि कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहा था ना, वो टूटा कि नहीं टूटा, क्योंकि वो संविधान में है ही नहीं, वो वर्ड क्रीमिलियर भी संवैधानिक कोई टर्म नहीं है, ये सोची समझी साजिद की तरह हमारे लोग उसमें नहीं आए, इसके लिए दिया गया है। उसी तरह से ये भी 50% EWS कोटा आया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, रातों रात पास हो गया और रातों रात पास होकर लागू भी हो गया। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि EWS कोटे में कहीं क्रीमिलियर नहीं है, या किसी भी सामान्य वर्ग के लिए तो उसमें भी लागू होना चाहिए था ना कि सामान्य वर्ग के लोग भी, उसके पिताजी, उसके चाचा जी, सब लोग अगर बड़े बड़े नौकरियों में हैं तो उन लोगों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर लागू नहीं किया गया। तो हम ये मांग करते हैं, अब अभी चुनाव का समय है, इसी समय आप लोगों की बातें और हमारी बातें सुनी जाएगी, तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए और हम भी आप लोग के माध्यम से हम जन जन तक ये आवाज़ फैलाना चाहते हैं कि ये आवाज़ फैलाई जाए कि भाई क्रीमी लेयर को शुड बी रिमूव्ड, क्रीमी लेयर हटाया जाना चाहिए, ताकि हमारे आप अभी जब शुरू में लागू किया गया था, अभी एससी और एसटी समाज का 3 जनरेशन आ गया है, तो देखिएगा उनके अंदर थोड़ी लीडरशिप आ गई है। ओबीसी तो अभी भी जागरूक नहीं है, क्यों नहीं जागरूक है, इसीलिए जागरूक नहीं है क्योंकि जो एमएलए और एमपी पहुंच गए हैं या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं तो उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आवाज़ उठाएंगे क्यों, किसके लिए उठाएंगे, ना किसी को फ़ायदा हो रहा है ना कुछ भी, और उन्हें भी पहचान लिया जाता है, यहाँ तक कि वो तो दोनों तरह से चले जाते हैं, जो कुछ लोग ग्रुप ए बी नौकरियों में चले गए या एमपी जेएमएलए चले गए, उनको तो इधर से भी गए क्योंकि क्रीमिलियर बना दिया ना, है ना, और उसके बाद वो उन्हें पहचान लिया जाता है, उनके ऊपर टाइटल हो गया, यादव है, सैनी है, वो जब गए कहीं पे उनको जैसे कुछ कुछ बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, सचिव का पोस्ट हो गया, महासचिव का पोस्ट होता है, कुलाधिपति का पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए अगला जो भी हमारे समाज के लोग अप्लाई भी करते हैं तो उनको सामने बैठ जाते हैं जब, तो उसके पूछते हैं क्या नाम है, नाम से ही वो उसके पहचान लिया, या कोई और भी सोर्स होता है, तो दोनों तरफ से गए ना, वो बड़े पोजिशन पर वहाँ पहुँच पा रहे हैं और इधर से भी क्रीमी लेयर में भी गए,
है ना। कई कई चीजें, कई जगहों पे ऐसी जगह ऐसी नौकरियां होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा, पैसे की जरूरत होती है, वहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जो हमारे समाज के जो क्रीमी लेयर के लोग हों। और इसीलिए जो एससी समाज, यही नहीं, इससे एससी समाज और एसटी समाज भी अछूता नहीं है। नागराज कमीशन, नागराज कमेटी, जो नागराज वर्सेज जो इंडिया गवर्नमेंट 2006 में जो फैसला आया था कि भाई क्रीमी लेयर इसमें नहीं हो सकता है एससी एसटी में, अब उसको भी बदलने की तैयारी चल रही है। अब उसमें यहाँ तक कि कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया है कि अब एससी एसटी में भी वो क्रीमी लेयर लागू करेंगे। मतलब उन्हें लग गया कि इनके तीन जनरेशन हो गए हैं तो इसमें थोड़ी लीडरशिप आ गई है, तो उन्हें लीडरशिप नहीं चाहिए कि जो लीडरशिप बनेगा तो कहीं अपना हक अधिकार की मांग के लिए आवाज न उठाने लगे। तो इस वजह से हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है कि अब सबको मिलना पड़ेगा। एक टर्म आता है गुआनेक्सी, जो चाइनीज वर्ड है, तो गुआनेक्सी का मतलब होता है एक संगठित होना, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, देखिए पूरी बहुजन समाज को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये तोड़ना चाहते हैं, हजारों जातियों में बांट दिया था पहले भी, आप लोगों को पता है, शासन करने के लिए, है ना। तो वो जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, वो मुद्दे पे हमें इस मुद्दे पे काम करना होगा और सब लोग मिलकर के ये जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर को हटाने की बात करनी पड़ेगी। वरना हमारा लीडरशिप, हमारा एसटी एसटी एससी बीसी का लीडरशिप ही खत्म हो जाएगा, और जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहीं के भी फिर और नहीं रह पाएंगे। बस इसके साथ ही आप सब लोगों का धन्यवाद।